Yeah, I think so. There will be. लक्ष्मीराज ब्रदर तो ही अंडरस्टैंड्स इंग्लिश. सुशीना सिस्टर आपको इंग्लिश में प्रॉब्लम नहीं है ना अभी तक तो? नहीं करता हूँ. तो भाइयों भाइयों बहनों, हम लोग आप सबसे दरख्वास्त करेंगे, विनती करेंगे कि ये कोई ऐसा फॉर्मल बाइबल स्टडी नहीं है जहाँ पे एक प्रचारक प्रचार करेगा और बाकी सब लोग सुनेंगे. क्योंकि अगर हमें ऐसा फॉर्मल बाइबल स्टडी करना होता तो हम लोग कोई कॉमेंट्री देख लेते या यूट्यूब में कोई वीडियो देख लेते. लेकिन यहाँ पे हमारा जो सोच है कि सब लोग एक दूसरे से बात करें, सब लोग जो परमेश्वर उनसे बात करता है, जो पवित्र आत्मा उनसे बात करता है, जो पवित्र आत्मा उनको बताता है, या उनको लगता है कि प्रभु ये चीजें मुझे दिखा रहा है, खुले मन से खुले हृदय से वो एक दूसरे के साथ बांटे, एक दूसरे को बताए. तो हम चाहते हैं कि हम एक दूसरे की मदद करें समझने में बाइबल और बाइबल का अध्ययन करने. आमेन. ये ग्रुप स्टडी है, ग्रुप बाइबल स्टडी ऐसा. और ये सच्ची बाइबल की बाइबल का अध्ययन है. हमने देखा कि इसमें बहुत ही परमेश्वर की उपस्थिति उतर आती है जब सारे उसके भाई लोग जब इकट्ठे होते हैं, प्रभु खुद उपस्थिति होता है. हमारा भी मिलन आत्मा में, हम लोग सब लोग अभी एक अगर है तो उधर जरूर प्रभु उतर आएगा हमारे आत्मा में और हम सबको प्रकाश देगा. So, shall we start with prayer, na? Yeah. प्रभु हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर आज के दिन के लिए परमेश्वर, और आज के समय के लिए परमेश्वर. प्रभु ये सभा को परमेश्वर, ये बाइबल का अध्ययन को परमेश्वर आपके चरणों में हम समर्पित करते हैं. प्रभु हम किसी मनुष्य को सुनना नहीं चाहते परमेश्वर, हम किसी मनुष्य से विद्या या बुद्धि लेना नहीं चाहते, परंतु हम आपको सुनना चाहते हैं, आपके आत्मा को सुनना चाहते हैं. प्रभु हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, आपका आत्मा हमारी आत्मा की सेविकाई करे, आपका आत्मा हमसे बातें करे. ये बाइबल का अध्ययन परमेश्वर हमारे आत्मा को परमेश्वर और समृद्ध बनाए, हमारे आत्मा को परमेश्वर और अमीर बनाए. हमारा समझ प्रभु यीशु मसीह के बारे में, हमारा समझ प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का कार्य के बारे में और बेहतर परमेश्वर हो. हमारे आत्मा के आंख को खोल कर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का रहस्य को समझने के लिए हमें मदद कीजिए. प्रभु ये पूरा सभा को परमेश्वर, सारे भाइयों को, सारे बहनों को परमेश्वर आपके चरणों में हम समर्पित करते हैं परमेश्वर, और हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि आप हमारी सेविकाई करो. यहाँ पे कोई मनुष्य का कार्य ना हो परमेश्वर, परंतु सिर्फ और सिर्फ आपका पवित्र आत्मा का कार्य हो. प्रभु आपका पवित्र आत्मा हमसे बातें करे परमेश्वर, आपका पवित्र आत्मा हमें सिखाए, हमें सुधारे और हमें बाइबल का अध्ययन करने में हमारी मदद करे परमेश्वर. प्रभु हम आपकी आत्मा से विनती करते हैं कि सचमुच परमेश्वर हमारा परमेश्वर सेविकाई करे. धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद पवित्र आत्मा, प्रभु यीशु मसीह के नाम से. धन्यवाद प्रभु. थैंक यू लॉर्ड. सिंस दिस इज आवर फर्स्ट टाइम व्हिच वी आर डूइंग इन ज़ूम मीटिंग, वी मे नॉट बी वेरी मच परफेक्ट विद हैंडलिंग द मीटिंग एफिशिएंटली. वी विल बी इवॉल्विंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम to make it a very effective meeting. So और हम सब यहाँ पे कोई भी परिपूर्ण नहीं है, कोई भी यहाँ पे सिद्ध नहीं है, कोई भी ऐसा नहीं है जिसे सब कुछ आता है, या कोई भी ऐसा नहीं है जिसे सब पता है. हम सब भाई और बहन एक साथ मिलकर प्रभु यीशु मसीह में बढ़ रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह को समझ रहे हैं और प्रभु यीशु मसीह का अध्ययन कर रहे हैं. Unlike our the physical meeting which we are now meeting in the Zoom, we not everybody are equipped with the tools of handling Zoom application. So myself I'm not knowing well, so Jebu, we all collectively can try to get this thing proper. Like for example, scriptures can be posted
if we are reading one point then we can put it on the screen और हम जब शरीर जब हम लोग सब लोग शारीरिक रूप से मिलते थे या फिजिकल मीटिंग जब होता था कलीसिया में हम मिलते थे अभी वो हो नहीं सकता है लॉकडाउन की वजह से लेकिन जैसे हम लोग जूम में डिजिटल के थ्रू मिल रहे हैं हम विनती करेंगे भाइयों और बहनों से कि वो हमारी मदद करे क्योंकि सब लोग यहाँ पे अच्छे नहीं होंगे सबको यहाँ पे सब कुछ समझता नहीं रहेगा अपना जूम कॉल ये सारी चीजों को इस्तेमाल करना सबको पूरी तरह से आता नहीं रहेगा So we may not this is the first midday so we may not be knowing how to operate properly and present a proper perfect zoom presentation so और आज हमारा पहला सभा है तो शायद हमें संपूर्ण रूप से सब कुछ ठीक एकदम सिद्ध रूप में या एकदम परिपूर्ण रूप से करना नहीं होगा लेकिन हम सब सीखेंगे साथ में The key thing is if everybody are in the spirit, connected to the Holy Spirit properly, then it will, listening and understanding will help us a lot and may we all be in the spirit. लेकिन अगर हमारा आत्मा पवित्र आत्मा से जुड़ा हुआ है तो हम सीखेंगे और सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा सब कुछ परिपूर्ण रूप से होगा I'm not here going to explain verse by verse Bible study here. I'm just initiating. And everybody can have a freedom to bring their light as the Holy Spirit leads you. और मैं यहाँ पे एक-एक वर्स पढ़ के आपका बाइबल स्टडी नहीं करने वाला हूँ बाइबल का अध्ययन नहीं करने वाला हूँ लेकिन मैं सिर्फ शुरुआत करने वाला हूँ मैं सिर्फ शुरू करूंगा बाइबल का अध्ययन करना और सब लोग जो उनका समझ है जो पवित्र आत्मा ने उनसे बातें की है वो हम सबको बता सकते हैं सब भाइयों बहनों के साथ बांट सकते हैं when I started reading about Paul's life Paul is the one who writing this book of Corinthians I wanted to understand when he wrote and what was the circumstances that led to him to write and all he faced so many problems He journeyed across the Mediterranean Sea and visited so many nations here and there just और to जब, bring the gospel. और जब मैं पहला कुरिंथियों का अध्ययन करना शुरू किया तो प्रेरित पौलुस जिन्होंने ये किताब को लिखा हुआ है मैं उनके बारे में पढ़ने लगा कि किस मंशा के साथ उन्होंने ये पत्र को पहला कुरिंथियों का पत्र को लिखा है और मैं जब वो समझने लगा तो मैंने देखा कि प्रेरित पौलुस कितने तकलीफ कितने यातना और कितने दर्द से गुजरे थे वो कितने तकलीफ उनको बर्दाश्त करना पड़ा और जैसे वो मेडिटेरियन समुद्र के पास घूम कुछ सारे जगह में घूम रहे थे तभी उन्होंने ये पत्र पहला कुरिन्थियों लिखा था दिस बाइबल दिस पर्टिकुलर लेटर वाज रिटन इन एडी अराउंड एडी 52 और ये पत्र जो है 92 साल के पास आसपास ये पत्र लिखा गया था प्रेरित पौलुस के द्वारा करेक्ट मी आई मे नॉट बी करेक्ट एग्जैक्टली या अराउंड एडी 55 या 92 या दिस वाज रिटन इन पॉल्स सेकंड जर्नी इन हिज लाइफ पॉल हैड अ 3 मेजर मिशनरी जर्नी और प्रेरित पौलुस ने अपने जीवन में 3 बड़े यात्रा किए थे सुसमाचार बांटने के लिए एंड इट हैपेंड सो दैट इन द सेकंड मिशनरी ट्रिप दैट ही हैड जर्नी दैट ही हैड इट हैपेंड टू फॉर हिम द लॉर्ड लेड हिम टू यू नो कम टू कोरिंथ देयर ही स्टेड फॉर 1.5 इयर्स अराउंड और जब उनका दूसरा यात्रा था सुसमाचार बांटने के लिए तब प्रेरित पौलुस कोरिंथ की जगह में पहुंचे ये स्थान जो कोरिंथ थे वहां पे पहुंचे और उन्होंने कलीसिया की स्थापना की वहां पे और 1.5 साल तक वहां पर वो रुके I'm just giving outline so that we may have a macroscopic view of the Bible before we go through microscopic view और मैं आपको पार्श्वभूमि बता रहा हूँ ये पत्र के बारे में ताकि जब हम लोग इसे गहराई से अध्ययन करेंगे तब आपको समझ में आएगा करके किसके बारे में कहा जा रहा है और
और क्यों कहा जा रहा है? And so we are seeing from above now Paul journeys through different parts of the Europe and then he comes down to Corinth. There he meets Aquila and Priscilla. There they were tent makers by profession, so Paul also joins there, and then he also enters into tent making, and then he begins to preach gospel to there. First to the Jews he speaks, and then. यहाँ पे हम देखते हैं कि प्रेरित पौलुस यूरोप में बहुत सारे देशों में उन्होंने सफर किया, यात्रा किया और परमेश्वर का सुसमाचार को बांटा। बाद में वो कुरिन्थ की स्थान में पहुंचे, यहाँ पे वो अकीला और प्रिशिला दो भाई बहनों से मिलते हैं जो तंबू बनाने का काम करते हैं, और प्रेरित पौलुस भी उनके साथ तंबू बनाने का काम करने लगते हैं और साथ में वो लोग सुसमाचार भी बांटते हैं। यू कैन रीड वर्स चैप्टर 18 वर्स 1 ऑफ एक्ट्स। और हम लोग प्रेरितों का कार्य अध्याय 18 वचन 1 पढ़ेंगे, एक से पढ़ेंगे तो वी कैन गेट अ बैकग्राउंड ऑफ हिज जर्नी। अगर हम लोग अध्याय 18 वचन 1 से पढ़ेंगे तो हम लोगों को इसका ये यात्रा के बारे में क्या था, कैसे शुरू हुआ, उसका ज्ञान मिलेगा। आफ्टर दीज थिंग्स या नाउ यू शोन द मैप वेयर इज द कोरिंथ देयर या इन नियर एथेंस on the left at Achaia, you know that on the green part left side where there is green near Athens is Corinth. Yes, so that is it. So right from Judea, from Jerusalem, from this side on the right side, he travels across the Mediterranean seas. He goes to different places, travels to Ephesus, then that's how they reaches to this place now. और जेरुसलम से होते हुए, एफेसस से होते हुए, एथेंस से होते हुए वो कोरिन्थ के ये स्थान में, जैसे प्रेरित पौलुस यूरोप के अलग अलग देशों में जाके सुसमाचार बांट रहे थे, तब वो कोरिन्थ के स्थान में पहुंचे। There we see is written there, Paul meets Aquila and Priscilla. और यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर जैसे भाई उसे काले रंग से मार्क कर रहे कि प्रेरित पौलुस जो है यहाँ पे अकीला और प्रिस्किला से मिलते हैं। So they were the first whom he presented the gospel. They believed and then they got saved and church was established. और सबसे पहले अकीला और प्रिस्किला को सुसमाचार दिया गया प्रेरित पौलुस के द्वारा, उन्होंने सबसे पहले विश्वास किया और इस प्रकार वहां पे कलीसिया का स्थापना हुआ। This is the history of the Corinth. Just overview I am giving so that और ये Bible study students should know the background. ये कोरिंथ का इतिहास है और थोड़ा सा पार्श्वभूमि इसीलिए मैं बता रहा हूँ ताकि हम जब कोरिंथ का अध्ययन करेंगे तो हमें समझने में आसानी होगी। If you read in Acts chapter 18 verse 1 and 2. अगर प्रेरितों का कार्य अध्याय 18 वचन 1 और 2 कोई पढ़े। Yeah, it says after these things Paul departed from Athens and came to Corinth and found a certain Jew named Aquila, born in Pontus, lately came from Italy with his wife Priscilla. They were Jews but staying in Corinth because that Claudius had commanded all Jews to depart from Rome. Okay, and came unto them. Verse 3, and because he was one of the same craft, he abode with them and wrought for by the occupation and were tent makers. And Paul stayed with Aquila and Priscilla because they had same profession, so they had a connection with each other. तो हम लोग अध्याय 18 वचन 1 से 3 तक पढ़ेंगे। इसके बाद पौलुस एथेन को छोड़कर कोरिंथ में आया और वहां अकीला नाम के एक यहूदी से मिला जिसका जन्म पुंतुस का था और अपनी पत्नी प्रिशिला समेत इटालिया से नया आया था, क्योंकि क्लोडियोस ने सब यहूदियों को रोम से निकल जाने की आज्ञा दी थी, तो वो उनके यहाँ गया और उसका और उनका एक ही उद्यम था, एक ही काम था, इसलिए वो उनके साथ रहा और वे काम करने लगे और उनका उद्यम तंबू बनाने का था। यहाँ पे हम देखते हैं कि प्रेरित पौलुस भी तंबू बनाने का काम करते थे
और अकीला और उनकी पत्नी भी यही काम किया करते थे, इसीलिए ये तीनों ये लोग मिलके काम करने लगे और परमेश्वर का सुसमाचार बांटने लगे। Now see was what at four, verse 4, what he used to do is he would go to synagogue every Sabbath and he would reason with them and persuade them to believe in Christ. और हम लोग क्या देखते हैं यहाँ पे, प्रेरित पौलुस क्या करता था, वो हर सब्त के दिन आराधनालय में जाता था और यहूदियों के साथ और यूनानियों के साथ वाद विवाद करता था और उन्हें समझाना की कोशिश करता था प्रभु यीशु मसीह के बारे में। No, actually he did not begin directly, he did not preach the gospel to them. He started reasoning them. He started reasoning, putting you know questions into them before answering. He started putting questions into their mind, made them to reason, made them to think in their mind. Boss, you are coming to synagogue, but what is the purpose behind it? What is the reality behind it? What is the meaning behind all this scripture? What is meaning behind all this ritual what you are doing? You know, so he that is how he slowly presented. No, he opened up broke the ice and opened up. You know, with the Jews primarily, they who were there. और प्रेरित पौल ने पहले सुसमाचार नहीं दिया, लेकिन वो आराधनालय में जाकर यहूदियों के साथ वाद विवाद करता था, उनके साथ बैठकर तर्क किया करता था कि आप सब्त के दिन आराधनालय तो आते हैं, लेकिन उसका पीछे का कारण क्या है, आपका आराधनालय आने का उद्देश्य क्या है, मकसद क्या है, ये अलग अलग बातें जो आप मानते हैं उसके पीछे का तर्क क्या है। अपने सवालों के द्वारा, अपने वाद विवाद के द्वारा उनके मन में वो उनके मन को सोचने के लिए प्रोत्साहित करता था कि असल में परमेश्वर कौन है और परमेश्वर को कैसे खोज किया जाता है। So whenever now how it is going it's why I'm saying this is we also you know when it comes to you know preaching our neighbors who are near to us or preaching people who are in the business it sometimes it is you know it is it gives such a bad taste when you just go to them and tell them what you're doing is wrong and then you present the gospel you give them a tract and they said and no and absolutely no effect the gospel does not give any effect but how do we present the gospel first we go we start becoming friendly we meet them we begin to talk to them and then we ask them about their faith then we ask them you know what is the meaning behind such faith why are you all doing this and when we begin to start putting questions and make them reason then it becomes easier for us to introduce our gospel to them that is aur jab hum hamare kaam mein hum ja kaam karte hain ya jaise is jag mein reh rahe hain अगर हम लोगों के पास जाए उनके विश्वासों को चुनौती दे कि आप क्या विश्वास करते हो वो गलत है और सुसमाचार सीधा प्रचार करें फिर उनको एक ट्रैक देके आए करके ये ट्रैक लो आप और इसे पढ़ो, इस प्रकार से नहीं होगा। लेकिन हमें लोगों से मिलना है, उनको समझना है, उनके विश्वास को समझना है, वो क्या विश्वास करते हैं, क्यों करते हैं, उनसे सवाल करना है, उनसे बातचीत करना है, उनसे मेल मिलाप करना है प्यार के द्वारा, उनको सबसे पहले समझना है कि वो क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। Immediately after that we see that the Lord sends Timotheus we see in verse 5 when Lord sends Silas and Timothy to strengthen up you know they came from Macedonia and then immediately the spirit of the Lord strengthened Paul to now preach Christ to them then openly tell the mystery that Jesus was Christ aur vachan 5 mein hum log padhte hain jab Silas aur Timotheus Makedonia se aaye to Paulus sunane ke dhun mein lag kar yahudiyon ko gawahi deta tha ki yeshu hi masih hai तो जब सीलास और तिमोथी आ गए उसके बाद पौलुस जो है वो घोषित करने लगा कि प्रभु यीशु मसीह ही मसीह है। सो टिल दैट टाइम द यू नो देयर वाज नो पर्सिक्यूशन एज सून एज दे इंट्रोड्यूस्ड द गॉस्पेल एज सून एज दे ओपनड अप दैट द मसीहा वाज नोबडी एल्स बट जीसस हिमसेल्फ इमीडिएटली यू नो द देयर वाज एन ऑपोजिशन एंड देन दे देयर इज अ पर्सिक्यूशन वी सी इन वर्स 6 एंड व्हेन द ओपोस And when he shook his raiment, Paul shook his raiment and said to them, "Your blood be upon your heads. I am clean. For henceforth I will go unto the Gentiles." That is the time when he turns to Gentiles. और हम यहाँ पे देखते हैं करके जब तक सुसमाचार यीशु ही मसीह है ये घोषित नहीं किया गया तब तक सब कुछ वहाँ पे शांत पूर्वक था,
लेकिन जैसे ही यीशु ही मसीह ये सुसमाचार सुनाने लगे, वहां पे सतावना चालू हो गया। लोग यहूदी लोग जो है इन्हें सताने लगे। तो तब पौलुस कहता है करके तुम्हारा लहू तुम्हारे ऊपर ही रहेगा। और तब पौलुस अन्य जातियों की ओर चला गया और अन्य जाति के लोगों को सुसमाचार सुनाने लगा। Now see what is happening here. In verse 7, he departed there and hence and entered into a certain man's house. Who was that? His name was Justus, one who worshipped God and whose house joined heart to the synagogue. Means their house was neighboring to synagogue. He was close to synagogue. His house was close to synagogue and he was a very good man. और हम लोग देखते हैं यहाँ पे यूस्तुस नाम का एक व्यक्ति था। उसका घर जो था वो आराधनालय के एकदम नजदीक था और वो परमेश्वर को परमेश्वर का एक भक्त था। उसके घर में वो लोग मिलने लगे, उसके घर में जाके वो लोग उसके घर में जाके शरण पाए, शरण पाए, फेलोशिप को क्या बोलते हैं यार, शरण पाए, शरण पाए, संगति किया, संगति किया, संगति कर। And then see in verse 8, and Crispus, the ruler of the synagogue. The ruler of the synagogue means definitely he is a Jew, and he became the he believed in the Lord with all his house, and many of the Corinthians heard, hearing, believed, and were baptized. और फिर वचन 8 में हम देखते हैं कि जो आराधनालय का सरदार था क्रिस्पस, वो अपने सारे घराने समेत प्रभु पर विश्वास किया। तो ये यहूदी था क्रिस्पस और वो लोग सब वो भी प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करने लग गया। Now look at this. Because of the faith of Crispus, another brother who was also the ruler of the synagogue, he got influenced probably. I feel so, because if you read in verse 18, verse और क्रिस्पस के कारण हम देखते हैं कि और एक अधिकारी जो आराधनालय का अधिकारी है वो भी विश्वास करने लगा। हम वचन 18 में पढ़ेंगे, वर्स 17, वचन 17, वचन 17, व्हाट डज द वर्स से? देन ऑल द ग्रीक्स टुक सोस्थेनेस द चीफ रूलर ऑफ सिनेगॉग एंड बेट हिम बिफोर द जजमेंट सीट। तब सब लोगों ने आराधनालय के सरकार सोस्थेनेस को पकड़ के न्याय आसन के सामने मारा, परंतु गलियों ने इन बातों बातों की कुछ भी चिंता न की। So why I'm saying is this, because we see in I've skipped up, I came to verse 17, but between verse 8 to 17, what has happened is there is a great commotion there. The Jewish people, you know, they catch hold of Paul, and you know they bring him to the Roman Empire, who governor there. We'll read that. और वचन 8 से 17 जो हमने पढ़ा नहीं, वहां पे क्या होता है कि प्रेरित पौलुस को यहूदी लोग पकड़ लेते हैं और जो रोमियो का सरकार का सरकारी व्यक्ति था उसके सामने उसे लेके जाते हैं। And see what is the blame they put is और क्या उसके ऊपर दोष लगाते हैं? When Galileo was the deputy of Achaia, the Jews made insurrection with one accord against Paul. The Jews made a plan to trap Paul. And brought him to judgment seat before the Galileo. Galileo was the at that time he was the empire governor there. And he said Galileo Achaia देश का हाकिम था, contrary to the law. तो यहूदी लोग एका करके पौलुस पर चढ़ आए और उसे न्याय आसन के सामने लाकर कहने लगे कि ये लोगों को समझाता है कि परमेश्वर की उपासना ऐसे रीति से करे जो व्यवस्था के विपरीत है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यहूदी लोग जो है वो प्रेरित पौलुस के ऊपर दोष लगाने लगे। And see this, so immediately what happens is the when verse 14, when Paul was now about to open his mouth in defense, Galileo said unto the Jews, if it were a matter of wrong or wicked lewdness, O Jews, I would have bear with you, but if it be a question of words and names and of your law, I'm not interested. You know, you judge your matters. And he, you know, he drove them away. He drove those Jews away from the judgment seat.
और वचन 15 और 16 में हम देखते हैं टू ट्रैप पॉल एंड टू स्टॉप द गॉस्पेल बीइंग प्रीच्ड बाय द पॉल गॉट फ्लॉप्ड यू नो द गवर्नर डिड नॉट केयर टू लिसन टू देयर प्रॉब्लम्स एंड यू नो चेज देम अवे सो दिस मेड देम द ज्यूज पीपल सो एंग्री बिकॉज़ एटलीस्ट एट सच अ टाइम द रूलर ऑफ द सिनोगोग should have stood by the Jewish people and fought with governor to you know imprison Paul or to you know persecute Paul but the ruler of the 6 months later on the ruler of the that particular synagogue was in Sosthen as we read in verse 17 so yahan pe hum log dekhte hain ki Gallio jo hai yahudiyon se kehta hai ki yadi ye kuch anyay ya dushtata ki baat hoti to uchit tha ki main tumhari sunta परंतु ये वाद विवाद शब्दों और नामों और तुम्हारे यहाँ की व्यवस्था के विषय में है तो तुम ही जानो क्योंकि मैं इन बातों का न्यायी बनना नहीं चाहता। तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे आकीम गलियो जो है वो यहूदियों की बात सुनता नहीं है। यहूदी लोगों ने पौलुस को पकड़ के अभी खड़ा कर दिया, दोष लगा रहे, वो लोग सोच रहे थे कि गलियो जो है उसको दंड देगा, लेकिन गलियो जो है जो हकीम है वो उसको पौलुस को दंड नहीं देता है। तो उनको लगता है कि ऐसे समय में जो आराधनालय का अधिकारी है स्तोत्रस वो उनका साथ दे, लेकिन वो भी उनका साथ नहीं देता है। इस कारण यहूदी लोग बहुत नाराज हो जाते हैं और उनको बहुत गुस्सा आ जाता है। And verse 17, they beat him before the judgment seat. और वचन 17 में हम लोग देखते हैं कि आराधनालय के सरदार सोस्थिनस को पकड़ के न्याय आसन के सामने मारा। That is the time I believe that God had touched Sosthenes already by the testimony of the previous century ruler, the synagogue ruler, who was Justus, and he was hearing Paul when Paul was reasoning in synagogue every time. I'm sure this chief ruler was also listening to Paul, and he must have reasoned, and he must have definitely understood what Paul is speaking has some element of truth in it. Definitely. और हम यहाँ पे देखते हैं कि सरदार सोस्थिनस जो है वो प्रभु में वो पौलुस की बातें सुनता था। जरूर जो पहला सरदार था आराधनालय का जस्टिन, उसके कारण सरदार सोस्थिनस उसके ऊपर भी प्रभाव पड़ा, और वो क्योंकि प्रेरित पौलुस के सारे वाद विवाद को सुनता था, उसके सारे सवालों को सुनता था, तब परमेश्वर उसके अंदर काम करने लगा और सचमुच वो प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास कर रहा था। इफ ही हैड स्पोकन ऑन बिहाफ ऑफ ज्यूज डेफिनेटली गवर्नर वुड हैव टेकन सम एक्शन एंड पर्सिक्यूटेड पॉल बट ही केप्ट क्वाइट बिकॉज़ ही फियर्ड द लॉर्ड। ही सॉ दैट पॉल वाज अ मैन ऑफ गॉड एंड पॉल स्पोक द ट्रुथ while Jews were the wrong, he understood. और अगर सोस्थिनस जो है वो यहूदियों का साथ देता और यहूदियों के जैसे यहूदी प्रेरित पौलुस के ऊपर दोष लगा रहे थे उनका साथ देता, तो सचमुच जो वहां का हकीम था गलियो वो पौलुस को दंड दे देता। लेकिन क्योंकि वो परमेश्वर की बात सुन रहा था, क्योंकि वो पौलुस के सारे वाद विवाद को सुन रहा था, उसके सुसमाचार को सुन रहा था, वो प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करने लगा और वो उसने उनका यहूदियों का साथ नहीं दिया। So we see what gospel did to such a man, a Jew, that too ruler of the synagogues, when he received the gospel, when he opened his heart to hear the truth, you know, his life got converted. तो हम यहाँ पे देखते हैं कि परमेश्वर ने किस प्रकार वो आराधनालय के सरदार सोस्थिनस के जीवन में काम किया। मतलब वो सच्चाई को सुनने के लिए, परमेश्वर का वचन को सुनने के लिए तैयार हो गया और वो प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करने लगा। This is the mighty testimony of God in Corinth. What has happened in brief, I wanted to tell you this is because seeing Sosthenes, I believe there was a great, great transformation among the Gentiles because a Jew, you know, if he left the, they, because he's definitely a famous man, he left the position, being the ruler of that synagogue, and he became a disciple of God Christ, and then his testimony definitely must have brought many Gentiles in Corinth to the faith, and यहाँ पे हम देखते हैं कि Corinth, I believe
और यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर का महान कार्य ये कुरिन्थ ये जगह पे ये शहर में हुआ। जब हम लोग देखते हैं कि आराधनालय का सरदार सोस्थिनेस परमेश्वर पे विश्वास करने लगा और उसने यहूदी का साथ छोड़कर प्रेरित पौलुस का शिष्य बन गया, प्रभु यीशु मसीह का शिष्य बन गया, तो इसके सोस्थिनेस के गवाही के कारण बहुत सारे अन्य जाति के लोग, मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करने लगे और वो लोग प्रभु यीशु मसीह को मानने लगे, क्योंकि उन्होंने देखा कि आराधनालय का सरदार खुद अपने लोगों को छोड़ के प्रभु यीशु मसीह का और पौलुस का शिष्य बन गया। For Christ's sake, to suffer persecution, to suffer, you know, and be transformed into the lovely, wonderful image of the Lamb of Christ. That is a character which Sosthenes produced, you know, in him. और सत्तावना के द्वारा सले सब प्रकार के यत्न के द्वारा, जैसे परमेश्वर का वचन कहता है, अपने अंदर वो परमेश्वर का मेमने का स्वरूप अपने अंदर तैयार होता है। ये स्वभाव हम यहाँ पे देखते हैं आराधनालय के सरदार सोस्थिनस के जीवन में कि वो प्रभु के समान बनने लगा था। So the Corinth church testimony began with such people whose testimonies were, you know, transformed into the same image of Christ. With such people, the message went was spread in gospel. तो हम यहाँ पे देखते हैं कुरिन्थियों की जो कलीसिया है उसकी स्थापना ही ऐसे लोगों से शुरू हुआ जो सचमुच परमेश्वर के स्वरूप में बनते जा रहे थे और जो प्रभु के लिए सब प्रकार का यत्न सब प्रकार का सतावना लेने के लिए भी तैयार थे। आई बिलीव दिस इज द सेम सोस्थिनेस हु वाज आल्सो मेंशनड बाय पॉल इन द फर्स्ट लेटर ऑफ द फर्स्ट चैप्टर इन द फर्स्ट वर्स। और मैं विश्वास करता हूं कि ये सोस्थिनेस वही है जो पौलुस ने पहले अध्याय के पहले वचन में जिसके बारे में कहा। Because we don't see the name Sosthenes otherwise mentioned in the entire Bible anywhere except in, you know, in this place in Acts in Corinth, that too in Corinth. और हम नहीं देखते करके सोस्थिनेस का ये नाम कहीं और बाइबल में, हम लोग सिर्फ प्रेरित के कार्य की किताब में वो नाम देखते हैं और यहाँ पे पहला कुरिन्थियों अध्याय एक वचन एक में देखते हैं। So what we read in chapter 1 verse 1, we begin our Bible study. Now I just gave an outline to you, just gave an history of the Corinthian church, how it got birth, and we mentioning the name of the brother Sosthenes, how the Corinthian letter is being introduced by Paul. Paul said, अभी मैंने सिर्फ कुरिन्थ कलिशिया की जो इतिहास है वो बताया आपको, मैंने सिर्फ उसका पार्श्वभूमि अभी बताया आपको। अभी हम हमारा बाइबल का अध्ययन शुरू करेंगे कि भाई सोस्थिनस ये कौन था जिसके लिए प्रेरित पौलुस ने ये पत्र लिखा था। पॉल कॉल्ड टू बी एन अपोस्टल ऑफ जीसस क्राइस्ट, पौलुस की ओर से, सॉरी पॉल कॉल्ड टू बी एन अपोस्टल ऑफ जीसस क्राइस्ट थ्रू द विल ऑफ गॉड। Let's see how he's addressing himself, how he titles himself. पौलुस की ओर से जो परमेश्वर की इच्छा से यीशु मसीह का प्रेरित होने के लिए बुलाया गया। He doesn't addresses his name and writes the title apostle before his name and addresses I am apostle Paul. You know, he didn't write it in that manner. Look how Paulus, the humility. पौलुस ने कभी भी अपने आप को इस प्रकार नहीं मिलाया कि मैं प्रेरित पौलुस है। ये भाई प्रेरित पौलुस का नम्रता था कि वो कभी अपने आप को प्रेरित पौलुस नहीं कहता था, लेकिन वो बोलता है कि मैं प्रेरित होने के लिए बुलाया गया हूँ, वो पौलुस मैं हूँ। पॉल कॉल्ड टू बी एन अपोस्टल ऑफ जीसस क्राइस्ट थ्रू द विल ऑफ गॉड एंड सोस्थिनेस आवर ब्रदर परमेश्वर की इच्छा से यीशु मसीह का प्रेरित होने के लिए बुलाया गया और भाई सोस्थिनेस की ओर से। I believe that Paul and Sosthenes must have fellowshiped a lot before he wrote this letter. और मैं विश्वास करता हूँ कि प्रेरित पौलुस और भाई सोस्थिनेस ने बहुत संगति किया ये पत्र लिखने से पहले। As we read before, when Timotheus and Titus came, immediately Paul got strengthened to preach the gospel. Till that time, he was only reasoning with them. And now we see, with the help of Sosthenes, with fellowship with Sosthenes,
Paul is able to write an epistle. What a rich epistle this first Corinthians is all about. और जब हमने प्रेरितों के कार्य के किताब में देखा, जब तिमोथी आया, तब तुरंत पौलुस जो है वो प्रभु यीशु मसीह का घोषणा करने लगा कि प्रभु यीशु ही मसीह है, सुसमाचार देने लगा। उसी प्रकार यहाँ पर बाय सोस्थिनस के द्वारा प्रेरित पौलुस जो है पहला पत्र लिखता है कुरिंथ को। तो वी थिंक दैट पॉल कार्य है कि पौलुस ने ये पत्र लिखा है। We always credit Paul as the author of one who wrote 1 Corinthians. But do you imagine the kind of strength and support and help he must have received from Sosthenes before writing letters? Such is the impact of a good fellowship with a right choice of believers whom we keep as our companion with. और हमें हमेशा लगता है कि पहला कुरिन्थियों का पत्र जो है वो प्रेरित पौलुस ने लिखा हुआ है, लेकिन क्या हम लोग ये बात को समझते हैं कि किस प्रकार की संगति, किस प्रकार की गहराई प्रेरित पौलुस ने भाई सेंटुरियस के साथ किया होगा कि उसने ये पत्र लिखा। ये असर होता है जब हम सही लोगों के साथ, सही विश्वासी के साथ, सही मसीह के साथ समय बिताते हैं और संगति करते हैं। इट्स सो इम्पोर्टेंट विद हुम वी फेलोशिप विद एंड इट इज सो इम्पोर्टेंट whom we associate and have a companion. There's a need for everyone to have one companion at least along with them in our Christian journey. और हमारे मसीह जीवन में हर एक विश्वासी के पास कम से कम एक भागीदार होना चाहिए जो इस यात्रा में उसके साथ मदद करे, क्योंकि जैसे प्रेरित पौलुस को भाई सोस्थिनेस से प्रेरणा मिली और उसने पत्र लिखा, हमारे जीवन में भी बहुत जरूरी है और बहुत कीमती है कि किसके साथ हम संगति करते हैं, किसके साथ हम समय बिताते हैं, कौन हमारा भागीदार है। प्रेज लॉर्ड। इवन इन माय लाइफ ब्रदर्स आई हैव कम अप इवन इवन लिटिल फार अबव फ्रॉम व्हाट आई वाज जस्ट बिकॉज ऑफ माय फेलोशिप विद द एल्डरली ब्रदर्स, fellowship and companion with wonderful brothers whom I can name here, and you know this is how the blessing of, you know, having a wonderful companion, a Christian fellowship companion, is required for everyone, for us to, you know, grow and increase in the knowledge of Christ. अभी जो थोड़ा सा मुझे मैं परमेश्वर में बड़ा हूँ उसका कोई उसका सिर्फ एक ही रहस्य है, जो भाइयों के साथ मैंने संगति की, जो भाइयों के साथ मैंने समय बिताया, जो भाइयों के द्वारा मैंने सीखा, मैं उनका नाम भी ले सकता हूँ यहाँ पे, लेकिन ये हमारे लिए जरूरी है कि कौन हमारा भागीदार है और किसके साथ हम समय बिता रहे हैं। And this is how he introduced his letter by saying, without adding any title to him, he says, God called me. Not only it is not I self appointed apostle, but through the will of God, Lord made me an apostle, and I am His apostle. I'm a servant. I'm like a postman who has brought a letter to you all. और प्रेरित पौलुस अपने आप को प्रेरित पौलुस करके कोई नाम नहीं देता है, लेकिन वो शीर्षक नहीं देता है, लेकिन वो यहाँ पे कहता है जो परमेश्वर की इच्छा से यीशु मसीह के प्रेरित होने के लिए बुलाया गया है। प्रेरित पौलुस अपने आप को नम्र बनाता है कि जो परमेश्वर की, प्रभु यीशु मसीह की इच्छा से प्रेरित होने के लिए बुलाया गया है। With this, I would like to take a break, and I want other brothers to, you know, carry this baton. I can go ahead, but I want everybody to voice up, you know. और इसके साथ मैं यहाँ पे रुकना चाहूंगा और मैं चाहूंगा कि दूसरे भाई लोग भी अपना जो बोझ है, अपना जो बातें हैं वो बताएं। मैं और भी बोल सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अभी और भाई जो है वो अपना विषय में बांटे। In short, I can tell you the about verse 2, how Paul addresses, how he looks the Church of Corinth from the eyes of God Christ. He when he looks at them, how he calls them. He's calling them those who are sanctified in Christ Jesus. You know, he knows before even writing this letter the various problems, the mess this church is brought in. There were a lot of problems when Paul departed from there, from his missionary journey. He heard so many mess that happened there. You know, there were due to the culture that was there prevailing, and that culture was actually trying to, you know,
influence the believers who are sanctified there in Christ, and as a result of it, there were a lot of mess that happened. Now we will go in deeper. वो कोरिन्थी की कलीसिया को किस प्रकार बुलाते हैं, वचन दो में देखते, अर्थात उनके नाम से जो मसीह यीशु में पवित्र किए गए हैं और पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं, और उन सब के नाम पे जो हर, तो यहाँ पे प्रेरित पौलुस को पता है कि बहुत सारी गंदगी, बहुत सारी कमियां है कोरिन्थियों कलीसिया में, और उसने बहुत कोरिन्थियों कलीसिया के बारे में सुना, और इसी कारण वो वापस आता है कोरिन्थियों में। लेकिन यहाँ पे जो है प्रेरित पौलुस उसके बारे में बात नहीं करता है, वो गंदगी के बारे में बात नहीं करता है, लेकिन ये पवित्रता जो जिसके द्वारा बुलाए गए हैं, मैं उसे पता है कि कलीसिया कोरिन्थ जो है वो अपने खुद के बहुत सारे वाद विवाद में, बहुत सारे समस्याओं से गुजर रहा है, लेकिन फिर भी वो उनके पवित्रता होने की गवाही देता है। Because of hearing that mess only, that makes him write this letter. Which he writes, but before writing, you know, he surely addresses first. He tells the problem to the church, then he gives answer to the problem, the solution to the problem, and all those things. But before even he begins to address their problems or the mess, he look at the way how he is, greeting the church. He doesn't say any immoral words or any scolding. He's not scolding them. He is calling them, from as those who are sanctified in Christ Jesus. और यहाँ पे हम देखते हैं कोरिन्थियों को प्रेरित पौलुस को पता है कोरिन्थियों में क्या क्या समस्या है, और वहाँ पे किस प्रकार की समस्या है या किस प्रकार की गंदगी है, प्रेरित पौलुस को पता है करके कौन सी समस्या वहाँ पे है, और प्रेरित पौलुस वो सारी समस्याओं को एक एक करके ये पत्र में बताता भी है। पहले प्रेरित पौलुस वहाँ की समस्याओं को बताता है, फिर वो समस्याओं के सारे हल को भी बताता है, लेकिन यहाँ पे जब पत्र को शुरू करता है, प्रेरित पौलुस बता रहा है कि परमेश्वर उनको किस प्रकार देखता है, परमेश्वर के नजरिए से कलीसिया कोरिन्थ कलीसिया जो है वो किस प्रकार खड़ा है, और वो बोलता है कि पवित्रता, और वो पवित्र होने के लिए जो बुलाए गए हैं मसीह यीशु में जो पवित्र किए गए हैं। So I'm so happy to hear Sanjay brother. I'm enjoying his listening. As I'm listening, I'm enjoying his sharing. He is better preacher than me. So with these words, I want to take a break so that other brothers carry forward from verse 2. और यहाँ पे मैं रुकना चाहूंगा और चाहूंगा कि दूसरे भाई बांटे। I hope you all understood about the background of the church history and Sosthenes brother, how he got saved and how he is now playing a chief role in assisting Paul in a matured way and writing letter to find the solution to the problems in the first Corinthian church. मैं विश्वास करता हूँ कि आपको ये पत्र का जो पार्श्वभूमि है और कोरिन्थी कलीसिया का जो इतिहास है वो समझ में आया हो। मैं विश्वास करता हूँ कि आप समझे होंगे कि भाई सोस्थिनियो किस प्रकार प्रभु में वो विश्वास करने लगे और किस प्रकार प्रेरित पौलुस के साथ मिलकर दृढ़ता के साथ संगति करके उन्होंने उन्हें प्रेरित पौलुस को प्रोत्साहन दिया ये पत्र लिखने के लिए। या ब्रदर्स, थैंक यू ब्रदर, एनलाइटन ब्रदर्स। अरे नहीं, जस्ट just a small rule or a rule or just something to add on to so that we can have a proper order of the meeting. और मैं इसमें कुछ तो और बताना चाहूंगा ताकि हमारी जो सभा है वो सही रूप से सही प्रकार से चले। And since we are evolving, there will be many rules that will be added. और जैसे हम लोग सब लोग परमेश्वर में बढ़ रहे हैं तो अलग अलग जो नियम है हम लोग बढ़ाते जाएंगे या बांटते जाएंगे। This is not just a strict, not something like a strict rule. This is just like ये कोई सख्त नियम नहीं है। This is just we are going by the grace of God and according to the flow of the Holy Spirit. और हम लोग परमेश्वर के अनुग्रह में और पवित्र आत्मा के बहाव में चलाए जा रहे हैं। So I just request all the brothers who will be speaking, who are the speakers, or all the brothers or sisters who will be speaking. There is a small request for them.
और सारे भाई और बहन जो वचन को बांटेंगे या जो बोलेंगे उनसे एक छोटी सी विनती है. The request is that we are going verse by verse. और हमारा विनती ये है कि हम लोग एक एक वर्स पढ़ के बोलने वाले हैं. Yeah. So before going, so now we started with verse 1. Then before entering to verse 2, that brother should stop at verse 1 only before entering to verse 2, so that other brothers who have some understanding or some wisdom or some light, even they can share according to their understanding or light. तो जैसे भाई वचन एक पढ़ के खत्म होगा, फिर वचन दो के बारे में बोलेंगे, लेकिन वचन एक पढ़ने के बाद वो रुक जाए ताकि जो दूसरे भाई है उनको भी बोलने का मौका मिले, उनके समझ के बारे में जो परमेश्वर ने उनको प्रकटीकरण दिया है उसको भाइयों के साथ बांटने के लिए. Now, as a speaker, I understand because sometimes in the flow, we may go to verse 2 or 3 because of the flow of the Spirit. That is understandable. But we understand that there may be some other brothers who may have to speak. So immediately, it would be better that if we can control and if we can go by verse by verse. और प्रचारक होने के कारण मैं समझ सकता हूँ ये बात को कि वो प्रचारक एक एक करके सारा वचन को ले, वचन एक, वचन दो, वचन तीन, लेकिन मैं विनती करूंगा कि वो अपने आप को रोके ताकि दूसरे भाइयों को भी मौका मिले अपना परमेश्वर का प्रकटीकरण बांटने के लिए. बिकॉज ब्रदर्स, इफ वी वॉन्ट टू रियली एंजॉय द वर्ड ऑफ गॉड, वी वॉन्ट द जूस फ्रॉम ऑल द ब्रदर्स. Amen. क्योंकि हम सचमुच परमेश्वर में परमेश्वर का वचन का आनंद उठाना चाहते हैं, तो हम चाहेंगे कि सारे भाई जिनके पास जो भी रस है वो सारे भाइयों के साथ बांटे. And we are in no hurry. We have lot of time by God's grace. We are eagerly waiting for the Lord's coming. Let the Lord come in His time. But till the Lord comes, let us go with the flow of the Word of God as the Word of God is leading us. और हमारे पास बहुत समय है, जब तक प्रभु नहीं आता है परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हमारे पास बहुत समय है, तो हम लोग आहिस्ते ही जाएंगे और सब लोग सारे भाई जो है वो एक दूसरे के साथ अपना वचन बांटे. So I believe, so I'm just telling this as an encouragement to the other brothers also. Do not feel bad if you are in verse 5. If you have some burden of verse 1, you can still share. तो मैं आप बुरा मत मानिए, लेकिन किसी भाई के पास कोई भी बोझ है और अगर वो वचन 5 तक पहुंच गया, लेकिन अगर उसके पास फिर भी कुछ बोझ है वचन बांटने के लिए, तो वो रोके ना, लेकिन वो अपना वचन को बांटे सारे भाइयों के साथ. या एंड फॉर एग्जांपल इफ वी आर इन वर्स 5, तो उदाहरण के तौर पे हम लोग वचन 5 पे है एंड देयर इज अनदर सम ब्रदर अनदर ब्रदर ही हैज ही गॉट अ बर्डन टू स्पीक फ्रॉम वर्स 1. So he has the freedom to speak from verse 1. और किसी भाई को परमेश्वर बोझ देता है वचन एक से कुछ बांटने के लिए, तो वो भाई वचन एक से कुछ बांट सकता है, उसके पास पूरी आजादी है वचन एक से बांटने के लिए. Yeah, because the previous speaker, because of the burden, he went to verse 5. But that is fine. But we still want all the other brothers to speak from the previous verses or the current verses that is going on. तो प्रचारक प्रचार कर रहा था और वो वचन 5 तक पहुंच गया, लेकिन आपके पास कुछ बोझ है और आपको परमेश्वर वचन 2, वचन 1 से कुछ बांटने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है, आप बांटिए. But please do not wait till verse 10, then again then come to 1. That will be waste of time. You don't do that. Okay, so let us maintain the decorum also. हम लोग वचन 10 तक पहुंच गए और आप रुके रहे और आप फिर से वचन 1 से शुरू करते हो, तो इससे बहुत सब लोगों का समय का बर्बादी होगा, तो इसमें ऐसा रुके भी ना रहे. Yeah, so because we need to be under the control of the Holy Spirit and let the Holy Spirit govern and operate us. और हमें पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन में रहना है और पवित्र आत्मा हमारा मार्गदर्शन करे. So coming to verse 1, और वचन 1 को जैसे हम देख रहे हैं, so that is we see a beautiful introduction of Brother Paul. और हम यहाँ पे देखते हैं प्रेरित पौलुस का इतना सुंदर अपने आप को इंट्रोड्यूस करना, क्या होता है जिम, अपने आप को परिचय किया, अपने आप का परिचित करता है. एंड दिस मैन इज बीइंग फिल्ड विद द होली स्पिरिट, ही नोज रिगार्डिंग, बिकॉज़ एज पॉल ही नोज, एज वी आर रीडिंग इन द नेक्स्ट वर्सेस,
in the down verses there, Paul is telling that when I'm speaking, I'm not speaking of my own wisdom, but I'm speaking in fear and trembling by the grace of God. और हम लोग देखते हैं नीचे वाले वचन में प्रेरित पौलुस जब प्रचार कर रहा है तो वो कहता है कि मैं जो ये वचन बोल रहा हूँ वो अपने खुद के स्वयं के बुद्धि से नहीं बोल रहा हूँ लेकिन कांपते हुए और डरते हुए बोल रहा हूँ. So this is how Holy Spirit, whose brothers, the people who are controlled by the Holy Spirit, this is how Holy Spirit will use the person to introduce himself, not like the तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो व्यक्ति पवित्र आत्मा के अधीन है, जो पवित्र आत्मा के निर्देश में जा रहा है या चलाया जा रहा है, वो इसी प्रकार नम्रता से अपने आप को परिचय कराएगा. So we know that Paul, he wrote 7 letters. और हमें पता है कि पौलुस ने 7 पत्र लिखा. 7 churches he has written letters. 7 कलीसियाओं को प्रेरित पौलुस ने पत्र लिखा है. And in majority of the churches when he is writing, और ज्यादा करके सारी कलीसिया जिनको वो पत्र लिखता है, this is his common introduction that he introduces himself. और ये प्रेरित पौलुस का सामान्य परिचय है जिसके द्वारा वो अपनी शुरुआत करते हैं. He never introduces himself as Apostle Paul. वो कभी अपने आप को प्रेरित पौलुस करके नहीं पुकारते, नहीं बुलाते. But he always says Paul, who is called to be an apostle or who is an apostle. लेकिन वो हमेशा कहते हैं पौलुस, जिसे बुलाया गया प्रेरित होने के लिए या जिसे बुलाया गया प्रेरित बनने के लिए. जो प्रेरित है. He will never put the word apostle to initialize his name. वो कभी भी प्रेरित होने का शीर्षक का इस्तेमाल नहीं करेगा कि मैं प्रेरित पौलुस हूँ. If you read in 2 Corinthians, अगर हम दूसरा कुरिन्थियों से पढ़े, see Paul an apostle of Jesus Christ. पौलुस और परमेश्वर का प्रभु यीशु मसीह का प्रेरित. He is an apostle of someone. He is an apostle of Jesus Christ. That apostleship is a work, not a title. It's a ministry. और यहाँ पे वो किसी का प्रेरित है, वो मसीह यीशु का प्रेरित है. वो प्रेरित उसका शीर्षक नहीं है, लेकिन प्रेरित होना उसकी सेविका ही है जो किसी ने उसे दिया है. Yes, that's the same thing we can see in Galatians. और वही हम देख सकते हैं गलतियों के किताब में भी. Then in Ephesians. Ephesians के किताब में भी. Philippians, I think not in Philippians में थोड़ा. Philippians it is little different, but still, yeah. Philippians में थोड़ा सा अलग है. हाँ, उसमें he is writing according to the working of the Holy Spirit. और वो पवित्र आत्मा के द्वारा लिख रहा है. Then again in Colossians it is there. और कलीसिया की किताब में फिर से है. In both the Thessalonians it is not there. Again in Timothy it is written. और फिर दोनों तिमोथियों के पत्र में नहीं है. नहीं, थेसलोनिका की किताब में नहीं है. तिमोथी के किताब में फिर से है. And then again in Titus. और फिर से तीतुस में है. देखो, never he is telling that he is Apostle Paul. वो कभी भी अपने आप को प्रेरित पौलुस करके नहीं बुलाता. And then in Philemon it is not there. Yeah, okay. फिर फिलोमन में नहीं है. So this is just a brief understanding to make you understand how a brother in Christ is supposed to, when he's going to a new place, how he's supposed to address. तो ये हम सबके लिए एक अच्छा शिक्षण है कि जब एक भाई नए जगह पे जाता है तो वो अपना परिचय किस प्रकार देगा. I don't know how many of you have been to other churches and have done ministries in other regions. और मुझे नहीं मालूम कि कितने सारे लोग दूसरे कलीसिया में गए हैं और दूसरे कलीसिया की सेविकाएं को देखा है. But I have seen and I have heard and whenever they introduce some brothers in the other churches, if they do not give title to that brother, to that person, I don't know if I can call him brother or not. If we do not give them the title, they are very angry and they are very pissed off. और मैंने देखा है दूसरे कलीसिया में जब भी भाइयों का परिचय दिया जाता है तो अगर उनका शीर्षक नहीं दिया जाए, जैसे कि प्रेरित ये भाई, प्रेरित ये है या पास्टर ये है, अगर इस प्रकार से शीर्षक देके उनका परिचय नहीं किया गया तो उनको बहुत गुस्सा आता है. So Jesus knew very well, that is why he is telling in Matthew that do not call anybody rabbi,
That is not a title or a person that he should give the name to that person, but it is an act of service. तो प्रभु यीशु मसीह ये बात को अच्छी तरह से समझते थे, इसीलिए मत्ती के किताब में वो कहते हैं कि किसी को रब्बी करके ना बुलाए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह समझते थे कि ये कोई शिक्षक नहीं है, लेकिन ये सेविका ही है, ये लोगों की सेवा करना है। The only person who is worthy to receive the title is our Lord Jesus Christ. सिर्फ एक ही व्यक्ति है जो शिक्षक के योग्य है और वो है प्रभु यीशु मसीह। And as a fellow, and as co-brothers with Christ, and as servants of the Lord, we have no right to take the ownership of the title of which belongs to the Master. तो हम जो सारे भाई हैं और प्रभु यीशु मसीह के और सारे साथी हैं, मजदूर हैं जो काम कर रहे हैं, तो हमारे पास कोई हक नहीं है कि हमारे स्वामी, हमारे मालिक का शीर्षक हम ले। So today people are known by evangelist so and so, reverend so and so, pastor so and so, even apostle. Today many people are called as apostle also. And why? If you do not call them, they are very upset. और आज सारे लोग जो है वो अपने आप को इसी प्रकार परिचय देते हैं, इवेंजेलिस्ट भाई, इवेंजेलिस्ट ये, पास्टर ये, प्रेरित ये, ऐसे ना अपने आप को अलग अलग शीर्षक के द्वारा परिचय देते हैं। The sad thing is, this is also there even in the brethren also. और दुखी बात ये है कि ब्रदरन की कलीसिया में भी ये सारी बातें हैं। एनीवे Since we are the disciple of God and we are understanding the word of God, through verse 1, we need to understand what a beautiful introduction Paul is giving about himself, that I am just a person who, apostle means sent one. तो यहाँ पे हम देखते हैं वचन एक के द्वारा, क्योंकि हम परमेश्वर के बच्चे हैं और परमेश्वर की कलीसिया है, ये बात को हमें समझना है कि कितना सुंदरता से प्रेरित पौलुस जो है अपने आप को परिचय देता है। प्रेरित होने का मतलब है भेजा, जो भेजा गया है। तो I am Paul, who is an apostle of Jesus Christ, means I have been sent by Jesus Christ. तो मैं प्रेरित पौलुस, प्रभु यीशु मसीह का प्रेरित हूँ, उसका अर्थ है प्रभु यीशु मसीह ने मुझे भेजा है। And who said, and according to whose will? By the will of God. और किसकी इच्छा के द्वारा भेजा है? प्रभु की, परमेश्वर की इच्छा के द्वारा मुझे भेजा गया है। That is how he is giving the introduction of himself. और इस प्रकार से वो अपने आप को परिचय देता है। And we heard a small introduction of brother Sosthenes also. और हमने भाई सोस्थेनेस का भी छोटा सा परिचय देखा। He was a leader there in the synagogue. और वो आराधनालय का सरदार था। That means he is a rabbi. उसका मतलब है वो रबी था। That means what? Whenever common people, when they coming and meeting Sosthenes, they always calling Rabbi, 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 Rabbi. तो उसका अर्थ क्या है कि जब एक साधारण यहूदी या साधारण लोग वहाँ पे आते थे और भाई सोस्थेनेस से मिलते थे, तो वो उसे हमेशा रब्बी करके पुकारते थे, रब्बी करके बुलाया करते थे। Yeah, but after he Sosthenes heard the true gospel. लेकिन जब भाई सोस्थेनेस को सही सुसमाचार मिला, and when we go down we will see that gospel is nothing but the message of the cross, aur niche jab hum padhenge to hame pata chalega ki susamachar aur kuch nahi hai lekin prabhu yeshu masih ka cross hai, cross ka karya hai. So when he heard the message of the cross, to jab usne cross ka sandesh ko suna, he no longer desires to be known as rabbi, but he is desiring that he should be known as or introduced as brother Sosthenes. To uske andar ये इच्छा ही नहीं रही कि कोई उसे रब्बी के नाम से पुकारे, लेकिन कोई अगर उसे पुकारे तो भाई सोस्थेनेस के नाम से पुकारे। Because that is how he sees himself. That is the rank that he has in Christ. In Christ we are all brothers. और क्योंकि वो इसी प्रकार अपने आप को देखता है, और हम जो प्रभु यीशु मसीह में है, यही हम सब का दर्जा है, हम सब भाई है। आमेन, आमेन, आमेन।